हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बना एकदम नया और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता। इस नाश्ते को हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाएंगे, मात्र 3 से 4 चम्मच तेल का यूज़ कर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे लगभग 1 कटोरी आटा, और फिर उसमें आटे में हम डालेंगे 1 चम्मच क्रश किया हुआ अजवाइन। अजवाइन हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखता है, इसलिए जब भी आप कोई ऐसी रेसिपी बनाइएगा तो अजवाइन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो अजवाइन ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और टेस्ट अनुसार नमक। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी डाल करके इसका एक सख्त डो यहाँ पे लगाएंगे। ज़्यादा पानी का यूज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तभी हमारा नाश्ता क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो हमारा डो यहाँ पे रेडी हो गया। इसे हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, चलिए हम चलते हैं स्टफिंग अपनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक पैन, और पैन को हो जाने देंगे गरम। जैसे ही पैन हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही हमारा हल्का क्रैकल हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, और उसे 1 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे। फ्लेम हमारे यहाँ पर मीडियम ही होना चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पर जैसे ही प्याज हमारा 1 मिनट तक भून जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और उसे भी हम अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर का नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो जैसे ही प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, नहीं नाश्ता अच्छे से रेडी नहीं होगा। तो टमाटर को भी हम मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट अनुसार नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। तो अब सभी मसाले हमारे यहाँ पे ऐड हो चुके, तो हम यहाँ पे सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे, और टमाटर को हम मैश करते हुए इन्हें हम मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, और टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, जिससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब हमारे स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हम आटे को भी एक बार देख लेते हैं, उसे हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो अब आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया। इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। यहाँ पे हम बहुत बड़े साइज़ की लोई नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी लोइयां बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 1 लोई, और उसे हम सूखे हुए आटे में रोल कर लेंगे, जिससे आटा हमारे हाथों में चिपके नहीं। तो अब इसे हम बेलन की हेल्प से इसे हम रोल कर लेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे नाश्ते का बेस तैयार हो गया है। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी, उसे हम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसे हम यहाँ पे 1 चम्मच रख लेंगे, और फिर उसके ऊपर के साइज़ को फोल्ड करते हुए दोनों अगल बगल की साइड को भी हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे, और फिर इसे ओवरलैपिंग करते हुए इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। जो भी किनारे बचे होंगे, उसे भी हम आसानी से हाथों से फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर एक नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। इसी प्रोसेस से हम बाकी के भी नाश्ते को रोल करके बना लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे सारे नाश्ते रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे करेंगे सैलो फ्राई। तो सैलो फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक पैन, और पैन को हो जाने देंगे गरम। जैसे पैन हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे मात्र 2 से 3 चम्मच तेल। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पे बहुत सारे तेल की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही कम तेल पे इस नाश्ते को बनाएंगे। तो तेल जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम बारी बारी करके सारे नाश्ते को ऐड कर लेंगे। जितना एक वन टाइम में नाश्ता आएगा एक पैन में, उतना ही नाश्ता हम डालेंगे। तो जैसे ही हमारा नाश्ता वन साइड से कुक हो जाएगा, इसे हम पलट के दूसरे साइड से भी कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं नाश्ता हमारा देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जितना नाश्ता हमारा देखने में अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा नाश्ता हमारा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं नाश्ता हमारा दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गया है। तो लीजिए फ्रेंड, रेडी हमारा आज का बहुत ही चटपटा स्पाइसी नाश्ता, जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है, क्योंकि ये बना हुआ है गेहूं के आटे से बहुत ही कम बजट में। मैंने इस नाश्ते को उन्हीं चीज़ों से बनाया है जो हमारे किचन में हमें बहुत ही आसान तरीके से मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक शेयर, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।